हे गाइस, वेलकम टू ऑटो रिव्यूज़। एंड आप सब लोगों को आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे एक और एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज आप लोग देख सकते हो कि हमारे साथ है 2023 हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक E20 अपडेटेड मोटरसाइकिल है ये। एंड आज हम लोग इस मोटरसाइकिल का एक फुल रिव्यू आपको देने वाले थे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना समय बर्बाद किए। मेरा नाम अरुणांश चौधरी और आप देख रहे हो ऑटो रिव्यूज़ का यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग डिज़ाइन की बात करेंगे तो डिज़ाइन आपको सेम ही देखने को मिलता है। आप देखिए, हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक जो है ये आपको कुछ ही दिन पहले ये मोटरसाइकिल लॉन्च हुआ है, मतलब इतना जल्दी इसको E20 अपडेट भी मिल गया। लेकिन यहाँ पे कुछ अपडेट्स, मतलब E20 के अलावा ज़्यादा कुछ अपडेट यहाँ पे नहीं हुआ है, बिकॉज ये मोटरसाइकिल जब आया था काफ़ी सारा अपडेट्स लेकर ही आया था। सबसे पहले अगर आप लोग शुरू करेंगे फ्रंट प्रोफाइल की तरफ से, तो फ्रंट में आपको सेम ही जो सेटअप है ये देखने को मिलता है। LED हेडलैम्प और डे टाइम रनिंग लाइट्स का एक पूरा सेटअप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ऑल्सो अगर आप लोग इस हेडलैम्प के थ्रो की बात करेंगे तो इसका जो थ्रो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड अगर आप लोग इसके कंपेटिटर होंडा SV125 से इसके कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली होंडा SV125 से इसका हेडलैम्प काफ़ी ज़्यादा बेटर है। मतलब रात के टाइम पे जब आप लोग दोनों हेडलैम्प टेस्ट करेंगे तो तब आपको समझ में आएगा कि ये हेडलैम्प ज़्यादा ब्राइट है एज़ कम्पेयर टू द SV125। अब जैसे ही आप लोग हेडलैम्प्स के थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम सा स्ट्रिप देखने को मिलता है। ये आपको रेगुलर स्प्लेंडर सुपर स्प्लेंडर में भी देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग मतलब जो हीरो की जो बैजिंग है ये आपको क्रोम डिज़ाइन में देखने को मिल जाता है। अब जैसे ही आप लोग विंडशील्ड की तरफ देखेंगे तो विंडशील्ड आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। यहाँ पे साइड्स पे आपको ग्राफिक्स वगैरह ये कुछ देखने को मिल जाता है। एंड ऑल्सो अगर आप लोग साइड्स पे थोड़ा सा साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स भी आपको जो फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिलता है। एंड ऑल्सो ये हैलोजन इंडिकेटर्स इस मोटरसाइकिल में प्रोवाइड किया गया है। अब जैसे ही आप लोग थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो ऊपर में आपको मिरर्स देखने को मिलता है। मिरर्स की बात करेंगे तो ब्लैक कलर का मिरर्स इस मोटरसाइकिल में ऑफर किया गया है। एंड ऑल्सो अगर आप लोग थोड़ा सा अंडरनीथ की तरफ देखेंगे तो अंडरनीथ में यहाँ पे आपको सस्पेंशन वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको फेंडर देखने को मिलेगा। फेंडर की बात करेंगे तो बॉडी कलर में इसका फेंडर दिया गया है। एंड ऑल्सो व्हेन यू सी द फ्रंट टायर ऑफ दिस मोटरसाइकिल, सो इस मोटरसाइकिल के फ्रंट पे आपको MRF का टायर देखने को मिलता है। 80x118 इंच का ट्यूबलेस टायर विथ 5-spoke alloy wheel के साथ ये पूरा टायर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऑल्सो फ्रंट ब्रेकिंग की बात करेंगे तो फ्रंट पे इसको डिस्प्रे ऑफर किया गया, नॉर्मल डिस्प्रे यहाँ पे दिया गया। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। साथ में जैसे ही आप लोग थोड़ा सा साइड पे देखेंगे, मतलब इस मोटरसाइकिल के साइड प्रोफाइल को देखेंगे तो साइड से इस मोटरसाइकिल को एक काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस एंड एक ब्यूटीफुल सा लुक इस मोटरसाइकिल में देखने को मिलता है। एक्सटेक का जो साइड जो डिज़ाइन है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अपडेटेड है एंड काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न भी दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर सुपर स्प्लेंडर। अब जैसे ही आप लोग साइड प्रोफाइल के मतलब फीच एस्पेक्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सुपर स्प्लेंडर की बैजिंग देखने को मिलता है जो आपको फुल्ली क्रोम डिज़ाइन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्रोम सा एक एलिमेंट दिया गया है और उसके साथ यहाँ पे आपको FI की बैजिंग देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक के ऊपर देखेंगे तो फ्यूल टैंक आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में इसका फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक के ऊपर आपको एजेस देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको जो देख सकते हो कि गाइस कि यहाँ पे आपको E20 का जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाता है। E20 का अपडेट इस मोटरसाइकिल में दिया गया है। एंड उसके बाद अगर आप लोग थोड़ा सा सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस मोटरसाइकिल के यहाँ पे आपको जो ये आप लोग USB पोर्ट देखने को मिलता है, मतलब कि आप अपना मोबाइल यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफ दिस मोटरसाइकिल, सो इस मोटरसाइकिल में आपको 12 लीटर्स का एक फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। अब फ्यूल टैंक के थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस मोटरसाइकिल का सीट देखने को मिलता है। सीट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लंबा सा एक सिंगल सीट देखने को मिल जाता है। साथ में सीट्स के ऊपर आपको स्ट्रेचिंग भी देखने को मिलता है व्हाइट कलर में। सीटिंग कंफर्ट की बात करेंगे तो सीटिंग कंफर्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर आप लोग मेरे ओपिनियन की बात करेंगे तो मुझे ये सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। एंड मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई भी कंप्लेंट नहीं है। इसमें पिलियन या फिर राइडर दोनों सीट से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड उसके बाद अगर आप लोग बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के सीट हाइट के बारे में तो यहाँ पर आपको 793 mm का सीट हाइट देखने को मिल जाता है। अब जैसे ही आप लोग थोड़ा सा साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको हीरो की बैजिंग देखने को मिलता है। एंड उसके बाद अगर आप लोग थोड़ा सा और अंडरनीथ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को इस मोटरसाइकिल का इंजन देखने को मिल जाता है। इंजन की बात करेंगे तो इंजन आपको जो मतलब इस मोटरसाइकिल में जो इंजन है ये आपको 124.7 cc एयर कूल 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर
E20 अपडेटेड इंजन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जिस इंजन की अगर आप लोग पावर एंड टॉक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 10.7 BHP का पावर देखने को मिलता है एंड 10.6 Nm टॉर्क विद 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। आप इंजन के बाद अगर आप लोग दूसरे एस्पेक्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो किक स्टार्ट वगैरह वो देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है कि आजकल बहुत सारे जो मोटरसाइकिल आ रहे हैं इंडियन मार्केट पर या जो अपडेट होकर आ रहे हैं तो उसमें से आपको किक स्टार्ट रिमूव हो रहा है, लेकिन इस मोटरसाइकिल में अभी भी आपको किक स्टार्ट कंटिन्यू किया है तो एक काफ़ी अच्छी बात है। एंड उसके बाद ये आपको रियर फुटपेक मतलब कि राइडर एंड पिलियन फुटपेक यहाँ पे देखने को मिलता है। ये इसका रियर ब्रेक एंड ये जो फुटपेक्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों फुटपेक से आपको रबर डिज़ाइन में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, एग्जॉस्ट मतलब एग्जॉस्ट का जो ऊपर आपको क्रोम सा एक गार्ड देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर आप लोग इस मोटरसाइकिल के रियर मतलब रियर प्रोफाइल की तरफ देखेंगे तो रियर से भी इस मोटरसाइकिल को एक काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे एक लुक देखने को मिलता है फॉर श्योर। उसके साथ रियर अगर आप लोग रियर के एस्पेक्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको टेल लैम्प देखने को मिल जाता है। टेल लैम्प की बात करेंगे तो टेल लैम्प आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। टेल लैम्प्स के थोड़ा सा साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स वगैरह देखने को मिलता है। इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स इस मोटरसाइकिल में ऑफर किया गया है एंड ऑल्सो ये हैलोजन इंडिकेटर्स इस मोटरसाइकिल में देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर वगैरह देखने को मिल जाता है। अब जैसे ही आप लोग थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे साड़ी गार्ड वगैरह देखने को मिलता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो चेन कवर्ड है ये आपको फुल्ली मतलब चेन स्पॉकेट जो है यहाँ पर फुल्ली कवर्ड चेन स्पॉकेट देखने को मिलता है, जो एक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। आपके चेन को ये फुल्ली प्रोटेक्टेड रखे फ्रॉम मतलब जो बाहर की जो गंदगी होती है। मतलब हम सभी लोग सोचते हैं जब मोटरसाइकिल लेकर निकलते हैं कि चेन गंदा हो जाएगा, चेन को फिर से साफ़ करना पड़ेगा, लेकिन वो झंझट आपको उतना ज़्यादा मतलब नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आपको फुल्ली कवर्ड चेन स्पॉकेट देखने को मिलता है। थोड़ा सा आगे देखेंगे तो यहाँ पे अभी आपको साइड स्टैंड मिलता है, साइड स्टैंड कटऑफ का सेंसर भी इस मोटरसाइकिल में दिया गया है। व्हेन यू सी द रियर टायर ऑफ दिस मोटरसाइकिल, सो इस मोटरसाइकिल के रियर पे आपको MRF का टायर देखने को मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड उसके बाद अगर आप लोग टायर साइज की बात करेंगे तो टायर साइज आपको यहाँ पे 90x90 18 इंच का ट्यूबलेस टायर विद अलॉय व्हील देखने को मिलता है। रियर ब्रेकिंग की बात करते हो तो रियर पे इसको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। एंड उसके बाद अगर आप लोग इस मोटरसाइकिल के कंट्रोल्स की तरफ जाते हो तो सबसे पहले हैंडल बार्स की तरफ देखेंगे तो हैंडल बार्स यहाँ पे आपको स्ट्रेटन हैंडल बार देखने को मिलता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली। यहाँ पे आपको हीरो की बैजिंग देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको USB पोर्ट जो चार्जिंग पोर्ट मैंने आपको दिखाया था। एंड उसके बाद अगर आप लोग कंट्रोल्स की बात करेंगे तो कंट्रोल्स यहाँ पे आपको लो बीम हाई बीम पासिंग लाइट का स्विच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप लोग पासिंग लाइट का स्विच देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको हॉर्न का स्विच। एंड उसके बाद अगर आप लोग राइट साइड की तरफ देखेंगे तो राइट साइड में आपको I3S का कंट्रोल देखने को मिलता है और उसके बाद सेल्फ स्टार्ट का बटन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड जैसे ही आप लोग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इसको अपडेट मिला था, मतलब अभी मिला है। जो पुरानी जो सुपर स्प्लेंडर आती थी उसमें आपको डिजिटल एनालॉग कॉम्बिनेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे तो डिजिटल स्पीडोमीटर है, डिजिटल टैकोमीटर तो नहीं है लेकिन ऑडोमीटर है, यहाँ पे आपको डिजिटल फ्यूल गॉज दिखाएगा। साथ में आपको दूसरे मतलब ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ट्रिप मीटर दिखाता है और उसके साथ यहाँ पे आपको रियल टाइम माइलेज दिखाएगा और ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेशन देखने को मिलता है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो साइज़ है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में दिया गया लेकिन काफ़ी सुंदर सा दिख रहा है इस मोटरसाइकिल पे। सो गाइस आज का वीडियो यहीं पे, अगर आपको इस वीडियो मतलब ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, बिकॉज आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इन व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये मोटरसाइकिल कैसा लगा, आपको इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड कुछ भी सवाल हो तो वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव से मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।